मेरे तेरे प्यारे महबूब नबी फरमा देने के मुसीबत हर रोज सवेरे सवेर अल्लाह दे हजूर पेश हो करके अर्ज कर दी अल्लाह मैं केड़े पासे मुंह करा अल्लाह फरमा देने इला इब्बाई मेरे प्यारियां वल टुर जा सुभान अल्लाह जी जी असी तुसी आना सी कहने एक हो जा प्यारे मुसीबतां साडे वाली गल दा अल्लाह नाना सोने सदा सुख रहन ते बंदा अपने आप अंदर जी जनाब अपने आप तो बाहर हो जांदा है फिरौन बन जांदा है अगर सदा दुख आन ते बंदा पागल हो जांदा है अल्लाह करीम अपने बंदियां नू सुख खुशियां ते गमियां दे के अपना रखना चाहते ने कि मेरा बंद मेरा ही हो करके रवे सोने गल समझो दरा अल्लाह कहंदा है मैं अपने बंदे नू जदों खुशियां देना ते कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह जदों गम आएगा उदे ते सबर करेगा वस्सबरु सवाबुल जन्ना ते सबर दा बदला अल्लाह ने जन्नत रखे है मेरे प्यारे वीर गौर दा मकाम है गल समझने सुनने वाली मेरे तेरे प्यारे महबूब पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देने कि सब तो ज्यादा इम्तिहान नबियां दा होया करदा है क्यों जो जिमें अल्लाह दे नबी ने फरमाया मरतबे मकाम अंदर लोग ज्यादा यानी सारे नालों सब तो ज्यादा मकाम प्यारे नबी फरमाया मैं मुहम्मद दा सब तो ज्यादा इम्तिहान भी मैनू आए और फिर जनाब इस तो कम दर्जे वाले औलिया अल्लाह नू फिर उस तो कम दर्जे वाले फिर उस तो भी ज्यादा कम दर्जे वाले नू यानी हर बंदे दा इम्तिहान उदे ईमान दे मुताबिक होया करदा है असी कहांगे अल्लाह साडा ते ईमान बड़ा कमजोर है अल्लाह इम्तिहान ना लवी अपनी रहमत नाल मुआफी फरमा देवी अलगर्द मैं दसना ते चाहना मेरे प्यारे वीर अल्लाह अकबर मेरे तेरे प्यारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान ए ते जनाब सामने आए अल्लाह करीम ने फरमाया सबर बहुत बड़ा अजर मौलाना मुहम्मद रफीक मदनपुरी राम अचानक जेने जा गए फरमांदे ने एक दिन मैं उन्होंने दरस सुनिया फिरदौस मस्जिद गुलबर्ग सी दे अंदर उत्थे बयान कर रहे सन फरमांदे ने कि अल्लाह करीम ने फरमाया इन अल्लाह मा साबिरी अल्लाह सबर करने वालियां दे नाले मौलाना मुहम्मद रफीक मदनपुरी रहमतुल्लाह अलैह नू अल्लाह ने वो मलका अता फरमाया कि जो खिताब करते सन ना अगर कोई बहुत ज्यादा पढ़िया लिखिया बंदा बैठा हुंदा सी ना उन्हां दे खिताब अंदर वो समझदा सी एडा इलमी वाज शायद मेरे वास्ते ही कर रहे ने ते एक बिल्कुल ही अनपढ़ बंदा बैठा उस खिताब नू वो समझदा सी कि एडा सादा सीधा जिहा आम फहम जिहा बयान शायद मेरे वर्गे अनपढ़ बंदे वास्ते ही कर रहे ने अल्लाह करे बहुत बड़ा इजाज होता है खतीब नू जो अल्लाह अता फरमा देवे हैं जी फरमाते ने जे बंदा सबर करेगा अल्लाह उदे नाल है ते जिहदे नाल अल्लाह है उन्हूं किसे चीज़ की थोड़ हो सकती सुभान अल्लाह किसे चीज़ की कमी नहीं आ सकती तो फिर नाल फरमाया जिहड़ा सबर नहीं करेगा वह अपने गिरेबान फाड़ेगा और जनाब अपने आप नू दुनिया भी बर्बाद आखरत भी बर्बाद अल्लाह दे हाँ कुछ नहीं मिलना उन्हों अजर ते सबर दा अजर इतना है कि मैं दस हदीस पढ़ के कि सबर दा बदला अल्लाह ने जन्नत रखे सुभान अल्लाह जी जी हजरत अय्यूब अलैहिस सलातो वस्सलाम वेखना रूम दे रहने वाले गल लंबी ना हो जाए वरना मैं वजाहत कर दा कि अल्लाह करीम ने किस तरीके नाल फरमाया है फरमाया अल्लाह इन शकर तुम लाजीदन्नकुम अगर शुक्र करोगे अल्लाह फरमाया मैं जरूर बे जरूर ज्यादा देंगा
लुकमा जद मूछ पाते अलहमदुल्ला कह दिया कर, एक लुकमा पा के अलहमदुल्ला ते अल्लाह ताला तेन इतना देगा तेरे लुकमे करोड़ा ते अरबा के हिसाब न तेरे नसीबे च लिख देगा, कई होर भी कम नाल बनी जाएगा इस वास्ते। और जड़ा बंदा शुक्र नहीं करता अल्लाह फरमाते ने अल्लाह इन्ना अजाबी लशदीद, साडा अजाब भी इस एको आयत अंदर आखिर ते फरमाया। हजरत मूसा अलैहि सलाम अपनी कौम नू कहंदे ने अगर तुसी ना को ना शुक्री करोगे ना कुफर करोगे कुफरान नेमत करोगे ते अल्लाह दा अजाब भी बड़ा सख्त है, फिर तैयार हो जाओ अल्लाह दे अजाबा वास्ते। वेखो ऐसा सखी कोई हो सकता है कि जेदे कोलो मंगो है जी, जेदे कोलो मंगो दित्ती भी जावे तो खुश भी हो जावे। अल्लाह अकबर, फिर वापसी का कभी मुतालबा ही ना करे, सुभान अल्लाह। इस वास्ते मैं अर्ज करना अल्लाह अकबर जी तवज्जो फरमाना, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम रूम दे रहने वाले, बाज कहते उन्होंने ताल्लुक बनी इसराइल दे नाल सी। अल्लाह तबारक व ताला ने इतना अता फरमाया, इतना ज्यादा अता फरमाया, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम दे किधरे बैलां दे भेड़ ते बकरियां दे मज्जां गावां दे रेवड़ वड्डे वड्डे इज्जड़ अल्लाह ने अता फरमा छड़े। एक दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम असर दी नमाज तो पहले जोर दी नमाज पढ़ने दे बाद अपने बैलां वाले वाड़े दे अंदर गए और वेख्या ते बैलां दियां जोड़ियां जिवें बंदे दी आदत हुंदी है, बंदा कहिंदा है नबी होवे बली होवे कि भला वेखा ते सही कितनियां क जोड़ियां बैलां दियां, गिणनियां शुरू कर दित्तियां, गिणदे गए 5000 नालों भी जोड़ियां बैलां दियां वध गईयां। असर दी नमाज कजा हो गई, असर दी नमाज लेट हो गई। कहंदे ने अल्लाह ये दुनिया दी दौलत की बन गया है जिन्हें मैनू तेरी याद तो गाफिल कर छड़िया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह जी मेरे प्यारे वीर, मैं अर्ज़े करना कि अल्लाह तबारक व ताला दे प्यारे पैगंबर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर तवज्जो ते फरमाना जरा, इतना अल्लाह दी फरमा बरदारी करते ने, इस कदर अल्लाह दी इबादत करते ने, उन्हां दी इबादत आसमाना वल चढ़दी है ते अल्लाह दे फरिश्ते दंग रह जाते ने। अल्लाह अल्लाह जिवें हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम दे बारे अंदर फरमाया है, इतने इबादत गुजार पैगंबर उन्हां दी इबादत आसमाना दी तरफ इतनी ज्यादा चढ़ दी है, उस वक्त दी सारी मखलूक दी इबादत है एक पासे ते हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम दी इबादत एक पासे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बड़े ही जाहिद पैगंबर, बड़े इबादत गुजार पैगंबर, फरिश्ते हैरान रह जाते ने। एक दिन शैतान अल्लाह दे हजूर अर्ज करता है, कहंदा अल्लाह तू कहना मेरा अय्यूब बड़ा चंगा अय्यूब, बड़िया इबादत करता है, बड़े शुक्रिये अदा करता है। ते शैतान कहंदा अल्लाह तू अय्यूब नू अलैहिस्सलाम तू अपने बंदे अय्यूब नू बड़ा ही नवाजिया है, इतना कुछ अता फरमाया है, वो तेरी इबादत ना करे ते होर की करे। अल्लाह ने फरमाया ओए मलूला शैताना जेड़े मेरे होया कर देने हर हाल अंदर मेरे ही होया कर दे, जा जो दिल चाहता है कर ले तेनू इजाजत है। अल्लाह अकबर, बस इनू इजाजत मिली हुण हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ते इम्तिहान शुरू हो गए, इम्तिहान आने शुरू होए ने। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम दे माल ते डंगरां वल गया है, चिखा बाली अग जला छड़ी, सारे दा सारा माल ही साड़ छड़िया, माल सारे दा सारा खत्म हो गया। एदे बाद शैतान हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम दे कोल नौकरां वाली गुलामां वाली इवें यतीमां मिसकीनां वाली शक्ल बना के बड़ा ही मिसकीन जाओ के कहंदा अय्यूब हुण वी लवेंगा अल्लाह दा नां,
हुण भी ओदी इबादत करेगा। जिन्हें तेरा कख नहीं रहन दिता सारे दा सारा माल खत्म कर दिता है, हुण भी ओदा नाम लेगा। हजरत अय्यूब अलैह सलाम कहंदे ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी अली मुहम्मद शमशाम ने ते मेरे खिताब नू क्या रंग लाए, क्या रंग भर छड़े। कहंदे ने शैतान की कहंदा है, जिस माल ते डंगर तेरा नहीं है छड़िया, तू उसे दे अगे एवें झोला है अड़िया। जिस माल ते डंगर तेरा नहीं है छड़िया, तू उसे दे अगे एवें झोला है अड़िया। कहंदा अय्यूब वहमो रब ने कड़िया, हुण हो गया दिल एक थाई, ओ अगे किसे वेले चेता डंगरा वल आमदा। लगन प्यारे मेरा दिल घबरामदा, हुण उधरों खलासी मिल गई शुक्र अदामदा। हुण हो गया दिल एक थाई अलहमदु लिल्ला अलहम्दु अलहम्दुलिल्ला। शैतान कहंदा अल्लाह के को जब बनाया तू अपने प्यारे अय्यूब नू, किजदा बनाया, अजे भी तेरे सामने तेरे शुक्रिया अदा करदा है तेरा बंदा अय्यूब। हजरत अय्यूब अलैहि सलातो वसलाम इतना ज्यादा अल्लाह दी इबादत करदे ने, अजमैशां शुरू हो गई प्यारे अय्यूब अलैहि सलातो वसलाम दे एदे बाद, इतना ज्यादा इम्तिहान आया यजीद मिन मैसरा ने। वो कहंदे ने कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाहु अकबर अल्लाह, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यारे महबूब अल्लाह दे बड़े ही साबर पैगंबर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम है जी। जनाब इधर वेखे ना, शैतान हुण एक होर चाला चलदा है। कहंदा है जे ते अल्लाह दा ही नाम लई जांदा है, ओदे घर वाल गया है कमरिया दे अंदर, जनाब औलाद बैठी हुई, उन्होंने अल्लाह करीम ने हजरत अय्यूब नु आठ बेटे ते आठ बेटियां ता फरमाइया। ऐ औलाद अल्लाह ने दिती है जी जी। शैतान छत गिरा के जलजला ले आके ये सारे दे सारे बेटे बेटियां सारे ही खत्म कर दें। अल्लाह सारे मर गए फौत हो गए। लोगों मैं इतनी बात कहना, अगर मेरे तेरे घर दे अंदर एक जनाजा उठे किस कदर की हाल हो जाता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम दे घर विचों बयक वक्त 16 जनाजे उठे, अपने बेटियां नू अपनियां बेटियां नू दफना के सजदे अंदर डिग पए। कहंदे ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दा शुक्रिया अदा करदे ने। शैतान फिर परेशान है, कहंदा है इनू जाती तौर ते तकलीफ देवां ते शायद अल्लाह दा बबुआ छड़ देवे, लेकिन ओदा सारे दा सारा प्लान गलत हो गया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम दे हुण नक दे अंदर फूंक मारी शैतान ने, जरासीम चले गए। कई कहंदे ने लुहाब लगाया अंगूठे ते, उतो जनाब जहर फैलता चला गया, बीमारियां लग गई। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम
इवें बीमारियां दी हालत अंदर बीमारी इतना ज्यादा असर कर गई है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम चलन जोगे भी ना रहे, मंजी दे अंदर पै गए, मंजी ते लेट गए, मंजी नाल मंजी बनते चले गए। जदों ज्यादा बीमार होए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनिया चारों बीवियां नूं इकट्ठिया कीता। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कहंदे ने मेरी ओ बीवियो, शायद मैं तुहाडे हुण हकूक अदा ना कर सकां, किधर मेरे नाल मुसीबतां च बड़िया फिर हो गईयां, तुहानूं इजाजत है जाना चाहो ते अपने मेकियां दे घर जा सकदियां हो, तलाक लैके चलियां जाओ। तीन बीवियां हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम दियां तलाक लैके चलियां गईयां। चौथी बीवी हजरत रहमा अलैहिस्सलाम कहदियां ने प्यारे अय्यूब, पंजे उंगलियां इको जिया नहीं होया कर दियां, नेकां दी जाइयां, तुहाडा बुआ छड़ के नहीं जावांगी, जितनी देर तक तुहाडा साथ चलदा पिया इसे दरवाजे ते रहांगी, पैरा देंगी, इलाज करांगी, दवाइयां देंगी, रोटी कमा के अपने शौहर अय्यूब जी तुहानू खिलावांगी। बाबा जी शमशाम फरमांदे ने चौथी जो बीवी ऐसी हजरत अय्यूब दी, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम, अल्लाह अकबर, चौथी जो बीवी ऐसी हजरत अय्यूब दी, यूसुफ दी पोती अते पड़ पोती याकूब दी, साबरां दी लड़ी इब्राहीम महबूब दी, ते सबर दा विरसा जिन्ना ताई हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम दी बीवी, इवें जना लोगां दे बर्तन मांज के, भांडे मांज के, झाड़ू दे के, लोगां दे कपड़े धो के हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम वास्ते खाने दा इंतजाम कर दी फिर दिए। एक दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम दी बीवी ने जनाब एक घर अंदर गई, उन्हां दे घर अंदर बच्चा सुत्ता होया, ते बच्चे दे हिस्से दी रोटी भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम दी बीवी रहमा नूं दे छड़ी। हजरत अय्यूब पुछदे ने रहमा अज एक रोटी घर अंदर ज्यादा आई है, एदी की वजह है? उन्होंने सही बात बदला दीती। हजरत अय्यूब फरमांदे ने चल चल जल्दी जा, किधरे इंज ना होवे बच्चा जागे, रात नूं बिदार होवे, भुख नाल तड़पे, बच्चा रोवे ते केदी जान नूं रोएगा, जा जा वापस दे करके आ। गईयां जांदियां जांदियां कहिंदे केड़े वेले अल्लाह तेरे बंदे अय्यूब ने मैनू इम्तिहान अंदर पाया है, इवें जनाब दरवाजे च दाखल लोई बकरी बनी हुई उन्हें टक्कर मारी ते गिर गईयां, कहंदियां ने अल्लाह केड़े इम्तिहान च पाया है, मेरे शौहर अय्यूब ने मैनू अल्लाह तेरा बंदा, मगर उहदा हुक्म मनना मेरे वास्ते जरूरी है, जिवें उन्हां कहा है ते मैं वापस आ गईयां। उठी कपड़े झाड़े अगे जाके गई कमरे दे अंदर, बच्चा भुख नाल डो रहा है, रोटी वापस कर छड़ी, कहंदी अल्लाह रहम कर अपने प्यारे अय्यूब ते, वक्त नाल पहुंच गई हां। अल्लाह अकबर, अल्लाह जी जी। एक दिन एक अमीर तरीन औरत दे आ गई काम करन वास्ते गईयां, उस औरत ने वेख्या बीबी रहमा दे गोल्डन वाल, बड़े खूबसूरत वाल ओदी नजर पई, ते औरत कहंदी है बीबी काम ना कर, बस एक लिट वाला दी दे दे, जितनी दिल करे राशन रोटी ले जा। लेके आ गईयां, दूसरा दिन गुजरिया, तीसरा दिन गुजरिया, लिट कट के देंदियां रहियां। अल्लाह अकबर। एक दिन
सर तो कपड़ा सिर के आ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने नजर मारी थे फरमा देने रहमा तेरे वाल किधर गए, सर दे वाल केड़े पासे गए। उन्होंने सही सही बात बतलाई कि मेरे अय्यूब इन जो आया कि औरत ने इसरार बड़ा किया। हजरत अय्यूब नू गैरत आई, अल्लाह अकबर अल्लाह, कि वाल मेरी बीवी दे वाल कोई और औरत कोले चले जान क्यों जी, इत्थे भावे मर्द दे हत्थां चले जान क्यों जी, मर्द वेखदा रह जाए जो मर्जी नंगे सर जिथे मर्जी फिरदी रवे, हाजी नमाजी है जी बड़े नेक बड़े पारसा दी है बेटी है जी, इन्हें पर्दा कीता ही नहीं, बिल्कुल नंगे मुंह फिरदी है, ये पर्दे दे अंदर रह के लोगां दियां मजदूरियां करदी फिरदी है। सुभान अल्लाह, बर्तन मांज भांडे धो और बेजनाब उन्हां दे कपड़े धो करके झाड़ू फेरदियां फिरदियां ने। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम नू गैरत आई, अल्लाह दा नबी बड़ा ही गैरतमंद होया करदा है कि बीवी मेरी होवे मेरी इजाजत बगैर वाल कट करके दे देवे। कहंदे ने रहमा सुन ले मैनू सेहत हो लवे ते मैं तेनू इस जुर्म दे बदले 100 कोड़े मारांगा। अज कल दी हुंदी ते कहंदी हाल तुहाडा की हो गया ते अजे भी मारनों बाद नहीं आंदे। नाना कहंदी ए बिस्मिल्ला 100 नहीं 1000 कोड़े मार लेना, मगर मैं अल्लाह कोलो दुआ करनी अल्लाह मेरे शौहर नू सेहत अता फरमा दे, अल्लाह तुहानू तंदुरुस्ती दे 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 वे। हाँ जी जितना दिल करे मार लेना जी जी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम दी बीवी जंगला च फिरदी हुई लकड़ियां कठियां करदी फिरदी है, इधरों आवाज आई रहमा, हैरान हो गई मैनू जानन वाला मेरे नां नू जानन वाला कौन जंगलों के अंदर, वेखिया ते एक बाबा शैतान है इंसान दी शकल सफेद दाढ़ी हाथ छोटी फड़ी हुई टोपी लई हुई सिर ते, हाँ जी सिर ते कपड़ा है कोई ना, और जनाब बिल्कुल एंज बड़ा नेक ते पारसा लगता वेखण अंदर, ये शकल बना के ना सामने आ गया। कहंदा रहमा मैनू पता चलिया कि तेरा शौहर बीमार है, अगर फलां दरबार ते चढ़ावा चढ़ा देवे उन्हू शिफा जरूर हो जाएगी। बीबी रहमा कहंदी है असी ते गरीब आदमी हाँ, गरीब लोग हाँ, कितों चढ़ावे हाँ जोगे, इतना ते निजाम ही नहीं, रोटी पता नहीं किवें मैं पूरी करनी हाँ, लेकिन असी चढ़ावे हाँ जोगे नहीं। कहंदा भावे मक्खी मार के भी चढ़ावा चढ़ा देवे ते शिफा हो जाएगी। ईमान और ज्यादा ईमान लुटना चाहता है जी। बीबी रहमा ने आके हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम नाल गल की, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कहंदे ने रहमा रहमा ये मेरे आसमान वाले दा हुक्म है, किसे दरबारा तो शिफावां नहीं मिलदियां, शिफावां मिलदियां ने ते अरशां वाले रब वल्लों मिलदियां। कहते ने नहीं 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 ये गल नहीं हो सकती है जी, मैं मरना ते मंजूर कर लवांगा मगर अल्लाह नाल शरीक नहीं ठहरावांगा, मैं नजरां नियाजा अल्लाह दे नां दियां दियावांगा, है जी अगर नजर मन्नांगा ते अल्लाह दे नां दी, नियाज देवांगा ते अल्लाह दे नां दी, सेहत मंगांगा ते अपने अल्लाह कोलों, अल्लाह दे अलावा कोई तंदुरुस्तियां देण वाला नहीं है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम दी बीवी रहमा इवें कम वास्ते बाहर गईयां गोईयां, इधरों हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम दे कजन ताने मारन लग गए, कहंदे ने वेखो ऐ साडा भाई अय्यूब कहंदा मैं अल्लाह दा नबी हां, अगर नबी हुंदा ते इहो जिहा हाल हुंदा, जिहड़ा बीमारी नाल इहदा होया पिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम नूं ए ताना खा गया,
ते रो पै अल्लाह दिया सजदे अंदर डिग पै ते दुआ कर देने अल्लाह हुण ते तेरे इंतखाब ते भी शक होण लग गया है अल्लाह तेरी खुदाई नू ही चैलेंज होण लग गए ने तू मैनू अल्लाह अपना नबी बनाया है ये मेरे भाई क्यों जियां गल्लां करदे हां हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम नू अल्लाह करीम ने सेहत ते तंदरुस्ती अता फरमाई है बस इवें आसमाना तो आवाज आई दुआ दा जवाब आ गया है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस वेले जड़ी कूक मारी अल्लाह करीम ने फरमाया वा अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनिया ज़ुर्रू वा अंता अरहमुर राहिमीन अल्लाहु अकबर अल्लाह 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 आसमाना तो आवाज आ गई है फस्ता जब ना लहू फकशफना मा बी मिन जुर व आतैनाहु अहलहु व मिस्लहुम माहुम रहमतम मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन आवाज आ गई अल्लाह फरमाया मेरे अय्यूब सुनी गई सुनी गई जी जी अल्लाह करीम ने फरमाया असी कबूल फरमा ली अपने अय्यूब दी दुआ सुन करके अल्लाह फरमा देने फकशफना मा बिही मिन जुर जड़ी तकलीफ आई असी दूर कर छड़िए वा आतैनाहु अहलहु वा मिस्लहुम माहुम रहमा अल्लाह फरमाया सब कुछ बेटे ते बेटियां बीवियां अल्लाह ने होर दे छड़ियां औलादा होर अता फरमा छड़ियां जी जी या कहंदे ने अल्लाह ने ओ कोई औलादा ते बीवियां लौटा छड़ियां अगे फरमाया वा मिसलहुम माहुम यानी उन इनामात उन जनाब डंगरां ते ढोरां समेत दौलत ते माल समेत जी जी औलादां समेत जितना कुछ पहले अल्लाह करीम ने अता फरमाया सी अल्लाह ने ओ भी अता फरमाया वा आतैनाहु अहलहु है जी इस जुमले दा तर्जमा अल्लाह ने उन्हां दा अहल यानी उन्हां दा घर बार उन्हां दे अहलो अयाल उन्हां दे बच्चे ते बच्चियां उन्हां दियां बीवियां गल समझा जे वा आतैनाहु अहलहु अल्लाह ने उन्हां दा जो कुछ लिया सी अल्लाह ने अता फरमा छड़िया नाल फरमाया वा मिसलहुम माहुम रहमा और ओदी मिसल यानी हुम में ना उस माल औलाद जो कुछ अल्लाह ने दिता सी ओ भी दे छड़िया ओदी मिसल अल्लाह ने उतना होर भी अता फरमा छड़िया ओदी मिसल गल समझदे हो ना कुरान दी ऐदा तर्जमाना वह मिसलहुम माहुम रहमतम मिन इंदिना ए साडी तरफो रहमत सी अपने नबी ते नाल फरमाया हुआ ज़िक्र लिल आबिदी फरमाया ए सबक जे ज़िक्रा है जी नसीहत है क्यों जी सबक है किन्ना वास्ते मेरी इबादत करने वालियां वास्ते सुबहान अल्लाह जिवें मेरे अय्यूब ने मेरा दरवाज़ा मलिया इवें अगर क्यामत तक कोई होर भी मेरा दरवाज़ा मल के तो मेरे अगे अर्जा लांदा रहेगा मैं इवें ही उहदे ते रहमता दे मीह पांदा ही रहां ऐ जे मुख्तसर जिहा तर्जमा जी जी मेरे प्यारे वीर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अल्लाह ने सेहत अता फरमाई सूरह साद पढ़न नाल ते सुन नाल आ जांदा है सवाद
यकीन जानो स्वाद आ जाता है, पढ़न नाल भी स्वाद आता है और सुन नाल भी स्वाद आ जाता है। तो सूरत का नाम है सूरत साद, ठीक है ना। उदे अंदर कमाला कीतियां अल्लाह सोने ने, जी जी फरमाया वज़कुर अब्दना अय्यूब, जिक्र करो मेरे बंदे अय्यूब दा, इज़ नादा रब्बहू मसनी शैतानु बिनुस्बी वअज़ाब। अल जदो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम नु शैतान ने ऐसा ऐसा जनाब परेशान किया, मुसीबत अंदर फंस गए, अल्लाह करीम ने फरमाया वहब नाल, जदों उन्होंने आवाज जो मारी मैनू वहब ला लघू आह लघू व मिसला गुम बागुम रहमतम मिन्ना। उथे मैंने इनदे ना सी ना सूरा अंबिया की जी मैं पहले हथ पढ़ी, इतने सूरा साद के अंदर तीसरा रुकू शुरू होता पे, जाके पढ़े आज तर्जमा लुत्फ आ जाएगा। जी 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 हजरत अय्यूब अलैहि सलाम के बारे अल्लाह ने फरमाया, इधरों शैतान दे परेशान करने की वजह करके, अजमैश पाने की वजह करके, जो हजरत अय्यूब ने आवाज मारी अल्लाह फरमा देने सुबहान अल्लाह, असी उन्होंने अहलो याल वापस लौटा छे मिसला गुम मागुम रहमतं मिन्ना। फरमाया उदी मिसल होर भी अता फरमाया और साड़ी तरफ रहमत सी ना वज़िक्रो लिउलुल अलबाब। अलबाब कहते हैं, हाँ जी ये जमा है, हाँ जी लबाब ए जरा अकल अकल जी दी ना अकल सुबहान अल्लाह। जी जी अकल वालियां वास्ते अलबाब अकल है, अकल वालों के लिए बहुत बड़ी एक सबक भरी दास्तान है ना, बड़ी ज्यादा नसीहत है सबक हासिल करने वाले वास्ते, साहब अकल लोगों वास्ते। अलगर्ज अल्लाह करीम ने फरमाया सोने दुआ की है ना मेरे कोल, और कुछ भी रिजली का हाजा मुख्तसल बारी दू शराब। फरमाया सोने ए पानी दा चश्मा निकल आया है, इसे चश्मे नाल नहाओ बैरूनी बीमारियां खत्म, इसे पानी नू पियो ते अंदरूनी बीमारियां खत्म। नाता पीता पानी नौ पर नौजवान होके बह गए, अल्लाह ने मुकम्मल उस वेले सेहत तंदरुस्ती अता फरमा छड़ी, पहले नालों भी ज्यादा सेहत, पहले नालों भी ज्यादा माशाल्लाह, हैं जी खूबसूरतियां। इधरों बीबी रहमा वापस घर आईया ते वेख दिया ने चार पाई ते एक नौजवान बैठा होया है, मुंह ते पल्ला करके कहदिया ने वे मेरे इत्थे अय्यूब लेटिया होया सी, उन्हों किधरे भगयाड़ ते नहीं उठा लै गया, किधर चला गया मेरा अय्यूब। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमा दे रे रामा मैं तेरा अय्यूब हाँ, अल्लाह ने दे फेर छड़े ने, अल्लाह करीम ने सेहत तंदरुस्ती अता फरमा छड़ी है। रामा मुँह ते पल्ला किते हुए कहदियां ने वे मेरे नाल मजाक ना कर, मैं ते अगे ही बड़ी दुखियारी हाँ, मेरा अय्यूब ते हड्डियां
मुठ बनया होया हड्डिया का ढांचा बनया होया सी ओनू किधरे भेड़िए ते उठा के नहीं लै गए की बन गया है। हजरत अय्यूब अलैहि सलाम कहने रहमान इधर वेख अल्लाह करीम ने तेरी शहादत वास्ते अंगूठे ते निशान बाकी रखे है। अगे ओके कहदियां ने जी जी लगदा ते ओ कोई है मेरा अय्यूब ही लग रहे ने इते मेरे अय्यूब ही ने ना हुलिया वेखदियां ने ते ते अगे नालों ही ज्यादा पुराना जवानी दे वेले दा हुलिया अय्यूब दा सुभान अल्लाह इवें वेख करके अल्लाह दा शुक्रिया अदा कर दियां। हजरत अय्यूब अलैहि सलातो वस्सलाम कहंदे ने रहमान याद आ गया कहंदे ने मैं कसम खादी सी कसम पूरी करांगा 100 कोड़े मारने दी। इन्होंने कहा जी जी बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला कोड़े मार लो। आसमाना तो आवाज आई अरशां वाले फरमा दे ने मेरे अय्यूब तेनू अपनियां कसमां पूरियां करनियां ते याद आ गईयां मेरी रहमां दियां रातां जागणियां याद ना आईयां। मैं अपनी बंदे नू कंडे जिनी तकलीफ नहीं होण देनी सोहणिया तेनू भी तेरे अल्फाज वापस लैण दा नहीं कहना। अल्लाहु अकबर सोहणिया जिहड़े बोल तेरे मुँह च निकल चुके ने ना तू मेरा इतना फरमा बरदार बंदा है ते लिहाजा तेरे बोल भी पूरे होणगे ते मैं अपनी बंदी नू तकलीफ ही नहीं होण देणी। गल मैं तेनू बल दस दिना अल्लाह करीम ने फरमाया खुज बी अदी का ज़िगसा फ़ज़रिबी तिनके लै लै झाड़ू आ जिहड़ा झाड़ू देईदा ना झाड़ू दे तिनके लै लै वह 100 तिनके गिण लै ठीक है ना या झाड़ू गिण लै इंज लै लै फड़ के बस इंज उहदे सर दे उत्ते इंज ला दे ते मैं तेरी कसम पूरी कर लाँगा। अल्लाह ने फरमाया तेरी तरफों गल पूरी तेरा तेरी भी गल पूरी हो जाएगी तेनू आप वला तहनस एदा माना है कि कसम तोड़नी नहीं पैनी सुनिया तेनू तेरे बोल वापस लैने नहीं पैने ते अपनी बंदी नू तकलीफ भी होन देनी नहीं। सुभान अल्लाह अल्लाह ने फरमाया खुज खुज बियदिका ज़िगसा फ़ज़रिबी वला तहनस क्यों जी कसम भी ना तोड़ हाँ जी क्यों जो वजह की ये दी इन्ना वजदनाहु साबिरा ए जे वजह सोनिया जदों में पाया अय्यूब नू अल्लाह कहंदे ने सबर करने वाला ही पाया इस वास्ते मैं अपने अय्यूब दे लफज भी ओनू वापस लैण दा नहीं कहना अपनी बंदी नू तकलीफ भी नहीं होण देनी। अल्लाह ने फरमाया निर्मल अबद मेरा चंगा बंदा अय्यूब निर्मल अबद इन्नहू अव्वाब